नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अटैक स्टडी में। और आज हम कोशिका का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट वन आपको मिल जाएगा, वीडियो में चल के जाकर देख सकते हैं आप। ये पार्ट टू है, तो उसमें कोशिका के बारे में माइटोकांड्रिया तक बता दिए थे, आज उसके आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, माइटोकांड्रिया के बाद से जो हमारा उसमें जीवद्रव्य भी बताने वाले थे, लेकिन जीवद्रव्य छोड़ दिए थे, ठीक है। तो हम वीडियो देखे खुद बनाकर, उसके बाद से मालूम चला कि जीवद्रव्य को नहीं समझाए, इसीलिए इसमें भी जीवद्रव्य को हम समझा देते हैं। देखिए, जीव द्रव्य क्या है, इसे कोशिका जो है, कोशिका के अंदर ऐसे क्या होता है, पानी भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव या जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक दूसरे कोशिकांगों को आपस में भिड़ने से बचाता है। इसे क्या होता है कि अब देखिए, इसमें बहुत सारे कोशिकांग है, जैसे लाइसोसोम है, माइटोकांड्रिया, सेंट्रोसोम है, गल्जी बॉडी है, वैकुल्स है, ये सारी चीजें क्या है, इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये आपस में न टकराए, इसके लिए यहाँ पर भगवान ने क्या किया, कोशिका द्रव को दे दिया, कोशिका द्रव को, जीव द्रव जिसे कहते हैं। आपको ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव और एक होता है केंद्रिका द्रव। तो कोशिका द्रव क्या होता है, केंद्रिका द्रव क्या होता है, ये कोशिका को आपस में जैसे हम कहेंगे भिड़ने से बचाता है। जैसे कि देखिए, आप कभी भी क्या करते हैं, जैसे कि सामान लेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि झोरा में आपको दे दिया, झोरा समझते हैं ना, एक झोरा में आपको 10-12 बर्तन दे दिए जाए और उसको आप ले लेंगे तो सब भड़बड़ाने लगेगा, है कि नहीं। लेकिन आप उसके बीच में क्या कर दें, पानी भर दें, जैसे थर्माकोल लगा दें, जैसे कि पैकिंग कर दें, तो क्या भड़बड़ाएगा, नहीं भड़बड़ाएगा। इस प्रकार कोशिकांगों के बीच में थर्माकोल का कार्य कौन करता है, कोशिका द्रव्य कौन करता है, कोशिका द्रव्य करता है। जैसे कि आप चार को मेहरारू लिया नहीं, ठीक है, आपका घर एक कोशिका है और घर के अंदर चारों मेहरारू को ढुका दी, ठीक है। अब चार घर के अंदर कोनो दीवारें नहीं है, मालूम चला कि एक मेरा से पप्पी नहीं है तो दूसरी वाली खिसी आ जाए, तो है कि नहीं। तो इसीलिए झगड़ा हो जाएगा, यानी सारे कोशिकांग आपस में चारों क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे। इसीलिए बचाने के लिए अलग अलग रूप में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, एगो घर वाली, एगो बाहर वाली, एगो पड़ोसिन वाली, ऐसे कर दीजिए, कोनो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, कोशिका द्रव भी होता है जो आपस में कोशिकांगों को क्या करता है, भिड़ने से बचाता है। तो बातें समझ में आ गई ना कि कोशिका द्रव क्या होता है। चलिए अब केंद्रिका द्रव को समझिए। देखिए, यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, इसे क्या कहते हैं, नाभिक, वो वाला दूसरा वाला नाभिक मत समझ लीजिएगा, ठीक है, इसमें समझिए। तो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं, केंद्रिका द्रव, और जो इसमें भरा है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। अब इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन वर्क यह होता है कि कोशिका को सूखने से बचाता है, क्या करता है, कोशिका को सूखने से क्या करता है, बचाता है, कौन, जीव द्रव्य बोल सकते हैं, जिसे केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। क्लियर हो गया कि केंद्रिका द्रव क्या है और कोशिका द्रव क्या है, क्लियर। अच्छा, आगे हम देखते हैं, इसके बाद आता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है, देखिए यह है अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह दो टाइप का होता है, एक तो इस पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इसे हम छोटे छोटे जो बिंदु है ना, इसे राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम, इसे क्या कहते हैं, ईआर, ठीक है। ये कौन सा ईआर होता है, तो इसे देख लीजिए, इसे स्मूथ ईआर कहते हैं या इसे रफ ईआर कहते हैं, आर ईआर इसे बोलते हैं और इसे स्मूथ यस ईआर बोलते हैं। देखिए, यस ईआर यानी स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका को इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ईआर है ये दो टाइप का होता है, एक होता है रफ ईआर, जो जिस पर राइबोसोम होता है ना उसे रफ कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं तो उसे रफ ईआर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्मूथ ईआर, इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ ईआर बोलते हैं। अब देखिए, यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन वर्क यह होता है कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि इस अंदर से सहायता, जैसे कि आपके बॉडी को सहारा कौन प्रदान किया है, हड्डी, यानी कि आंतरिक कंकाल कौन है, हमारा हड्डी है। इसी प्रकार कोशिका के अंदर का हड्डी कौन है, ईआर है, कोशिका के अंदर का हड्डी कौन है, ईआर, जिसे हम लोग स्मूथ ईआर कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी स्मूथ ईआर नहीं, ईआर बोलते हैं, ये होता है स्मूथ ईआर, ये होता है रफ ईआर। देखिए, स्मूथ ईआर क्या करता है, ये वसा बनाता है, वसा समझते हैं,
नहीं समझते हैं, फैट जिसे कहते हैं, चर्बी जिसे कहते हैं, ठीक है, आदमी मतलब ज़्यादा मतलब जिसमें फैट हो जाता है तो गांव मतलब उसे फैटी बॉडी बोलते हैं, ठीक है, गांव में आदमी उससे भाषा को क्या कहते हैं, कहते हैं कि चर्बी आ गई बा, ठीक है, यानी मोटे आदमी को, ठीक है, तो वो अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन में बोले जाते हैं। इसे आप लोग गलत ना समझिए कि सर जी बोल रहे हैं चर्बी आ गया है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, यानी ज़्यादा चर्बी आ जाता है पेट पर तो उसे वो कहते हैं। चर्बी जो है ना वो पूरा फैट का बना होता है, किसका बना होता है, फैट का। ये फैट का निर्माण कौन करता है, तो स्मूथ यार, देखो यहाँ पर लिखे हैं ना स्मूथ यार, ये क्या करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। वसा ही क्या करता है, आपको ठंडी वगैरह से बचाता है, क्या करता है, ठंडी वगैरह से बचाता है। देखिएगा शादी ब्याह में आप जयमाला पर चले जाइए, देखिएगा ठंडी का दिन है आ रहा है ना, ठंडी का दिन एकदम ठंडी में देखिए, वहाँ पे एक लड़की रहेगी ना, औरत रहेगी, तो उसका आधा शरीर मतलब क्या रहेगा, उघारे दिखेगा, आधा शरीर क्या ढका रहेगा, लेकिन लड़का को एकदम कोट वोट देखिए पहन कर टुकड़ी मारकर टुकड़ टुकड़ ताकेगा, ठीक है, और वो उसको फैशन में क्या, वो फैशन में चूर है, ठीक है, ऐसे पोछ कर ऐसे पोछ कर क्या करेगी, फोटो खिंचवाएगी उसको ठंडे नहीं लगेगा, और घर में जाएगी तो गप सराजाई में डूब जाएगी, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपने देखा होगा, नोटिस किए होंगे, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें क्या होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वसा क्या करता है, ठंडा से बचाता है, ठीक है, यही वसा क्या होता है, जब शरीर में कम हो जाता है बुढ़ौती में तो आदमी क्या होता है, चिचुक जाता है। चिचुकने का मतलब समझ रहे हैं, चिचुकने का मतलब नहीं समझ रहे हैं, अरे चिचुकने का मतलब कि उस मतलब उसकी चमड़ी झूल जाती है, बुढ़ौती में क्या होता है वसा कम हो जाता है, तो क्या होता है आदमी क्या हो जाता है, चिचुक जाता है, यानी बोले तो चमड़ी क्या होती है उसकी, झूल जाती है, इसी के कारण, ठीक है। जवानी में ये घुमच कर रहता है, इसलिए आदमी क्या होता है एकदम जबरदस्त दिखता है, दिखाई देता है। लड़की अधिकतर लड़की की चमड़ी जो होती है, लड़कों की चमड़ी होती है, दोनों में अंतर होता है। देखिए लड़की की जो चमड़ी होती है ना वसा के कारण बहुत स्मूथ होती है, पकड़े होंगे ना कभी कभी, ऐसे नहीं पकड़े होंगे तो होली में पकड़ लीजिएगा, भाभी लोगों का गाल उल पकड़ लीजिए, मालूम चल जाएगा क्या है कि उन लोग का स्मूथ है। लेकिन लड़के सबका देखिएगा वो खदबिद्दड़ लगता है, लड़कों सबका कैसे दिखता है, खदबिद्दड़, ठीक है। तो देखिएगा मतलब जब होली आता है ना, ठीक है, तो हम भी होली में ऐसे मतलब कि भाभी लोग ऐसे रंग लगाती हैं तो हम भी ऐसे रंग लगाएं तो मालूम चला कि क्या है कि ऐसे उन लोगों का गाल क्या है, लड़कियों का गाल जो होता है स्मूथ होता है, क्यों, क्योंकि उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। लड़कों में क्या होता है, खदबिद्दड़ क्यों होता है, इसे दाढ़ी हो गया, वसा की मात्रा कम होती है, क्लियर। यह देखिए रफ ईयर में राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। चुप, बिगड़ रहा है ना वीडियो, देखिए। तो यह क्या है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम क्या करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है, कोशिका का क्या है, कोशिका के अंगों में सबसे छोटा कौन है, बबुआ, ठीक है, छोटका बबुआ, ठीक है, यही है राइबोसोम, कौन है, राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, ठीक है, राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। पूरा कचौर का जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो राइबोसोम में करता है, कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है, कचौर का मतलब समझ रहे हैं, मच के, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अब ये दो प्रकार का जो राइबोसोम होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, देखिए एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक है, एक क्या होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। देखिए 70S जो राइबोसोम होता है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ रहे हैं, अरे प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जो छोटे छोटे जीव में पाई जाती है, जिसे ननका कहते हैं आप लोग, ननका मतलब समझ रहे हैं, छोटका बबुआ, ठीक है, बहुत छोटी सेल्स, बहुत जो हम बिना माइक्रोस्कोप को हम देखिए नहीं सर, माइक्रोस्कोप का मतलब समझ रहे हैं सूक्ष्मदर्शी, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख सकते, उसे कहते हैं माइक्रोजीव, ठीक है, माइक्रोजीव यानी छोटे जीवों में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक यानी बड़े जीवों में, कुकुर बिलार सियार मेढक पाड़ा पाड़ी भैंसा सब, ठीक है। तो इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका में किसका निर्माण होता है, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S राइबोसोम, ठीक है, और 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक यानी छोटे जीवों में, यानी 70S प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो प्रोकैरियोटिक में होता है, और 80S का
मतलब प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है, तो यूकैरियोटिक में होता है, जो 70 या 70 देखिए एनटीपीसी में एग्जाम करता है, यानी पूछता है एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आते हैं 70 या राइबोसोम का निर्माण कौन निर्माण किसमें होता है, तो यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में बोलेंगे। और 80S राइबोसोम का निर्माण किसमें होता है, तो आप बोलेंगे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए यस का मतलब होता है, देखिए यस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यस का फुल फॉर्म सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब आते हैं गोल्जी वाडी। गोल्जी वाडी क्या, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। अब ये देखो ये क्या करता है, कैमिलो गोल्जी पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन समझते हैं, जैसे आपके सेल के अंदर जैसे कि जो भी प्रोटीन का निर्माण हुआ, मान लो कि राइबोसोम प्रोटीन बना दिया, कौन बना दिया, राइबोसोम प्रोटीन बना दिया, अब एक जगह बनाया तो उसको पूरे जगह पूरे सेल में बांटने का कार्य कौन करेगा, गोल्जी वाडी, यानी सेल के अंदर जो माइटोकांड्रिया है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, वैकुल्स है, ठीक है, उसके राइबोसोम है, ईआर है, ठीक है, ये जितने भी हैं, ठीक है, अब इन सबको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है कि नहीं, इससे प्रोटीन से, आपका प्रोटीन नहीं रहेगा तो आप शरीर बनेगा नहीं। देखिए प्रोटीन विटामिन में अंतर होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रोटीन हमारा गुदा बनाता है, जितना शरीर का गुदा है ना, मसल्स, ठीक है, सिक्स आइब्स वगैरह सब प्रोटीन बनाता है, और विटामिन क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है, बस इतना ही अंतर होता है। देखिए तो माइटोकांड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, बैकुल्स, राइबोसोम, ईआर, ये जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी हैं सबको एनर्जी पहुंचाने का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी, इसे गोल्जी अपैरेटस कहते भी हैं, ठीक है, ठीके? जो क्या होता है गोल्जी बॉडी है, इस ये क्या करता है गोल्जी बॉडी, तो कोशिकाओं को प्रोटीन पदार्थों को जो जो चीज़ें चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उनको देने का कार्य कौन करता है, गोल्जी वाडी ही करता है, क्लियर। अच्छा एक चीज समझिए, अब इसके बाद से क्या आता है, तो इसके बाद से आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, तो उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं, इसको नीचे थोड़ा मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए लो, चलिए ले लिए होंगे, तो अब आगे हम देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं राइबोसोम को, और सेंट्रोसोम को समझते हैं, और किसको समझते हैं, सेंट्रोसोम को। देखिए बाहर से साउंड थोड़ा आ सकता है, गाड़ी वगैरह चलती है तो साउंड आ जाता है, तो उसको ध्यान नहीं देंगे। देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम लिखे ना, इसकी खोज बोबरी ने किया था, इसने किया था, बोबरी ने, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी ने। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन, क्या करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब समझ रहे, सेल डिवीजन। आपके अंदर मान लीजिए कि आपको कोनो क्या किया, दांते काट लिए, ठीक है, किसी आकर लड़की सब दांते काटती हैं, ठीक है, लड़का तो दांते नहीं काटता, वो थूथने फोड़ देता है, ठीक, और लड़की सब क्या करते हैं, दांते काटने का कार्य करते हैं। मान लीजिए कि कोनो लड़की आपका गुदा ऐसे निकाल ली, दांते काट कर दिखिया गई थी, ऐसे गुदा काट कर लेकर चले गए, तो यहाँ पर दोबारा गुदा किसके वजह से आएगा, सेंट्रोसोम की वजह से, किसके वजह से, सेंट्रोसोम की वजह से, ठीक है। मान लीजिए मतलब क्या, कहीं मतलब पैर वगैरह में क्या है, आदमी भी कम नहीं होता है, वो भी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं काटता है, वो भी काटता है, ठीक है, मतलब क्या, कहीं मान जाए कहीं इधर उधर जगह पर काट लिया, ठीक है, यही जगह या मतलब कि क्या है, चलिए छोड़िए उसको, यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर क्या होता है, मान जाए कहीं से गुदा काट कर निकाल दिया, तो वहाँ पर भी गुदा भरने का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम ही करता है, क्लियर। गाना पर फोकस मत करिएगा, फोकस इस पर करिएगा, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। देखिए ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो न्यूरॉन सेल है ना उसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर चोट लगता है तो ठीक नहीं होता है। मानिए कि आपके बॉडी में आप इतने बड़े हो गए किसकी वजह से, सेल डिवीजन की वजह से, एक कोशिका विभाजित हुई, दो कोशिका बनी, तीन कोशिका, चार कोशिका, पाँच कोशिका, ऐसे कोशिका विभाजन हुआ जिसके कारण आपका निर्माण हो गया, ठीक है, यानी धीरे आप छोटे थे ना, अब छोटे से इतना मतलब क्या हो गया, पारा भर को हो गए, ठीक है, तो पारा भर को हो गए तो क्या हो गया आपके अंदर, मतलब पारा भर को आप अपने आप को पारा मत समझिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि इतने बड़े हो गए तो आपके अंदर मतलब कोशिका इतना मतलब आया कहाँ से, इतना सेल्स बनी कहाँ से, वो सब सेंट्रोसोम किया है, कौन किया, ये चोटा देख रहे हैं, ये चोटा को सेंट्रोसोम को ये किया है, क्लियर। तो आपके अंदर गुदा भरने का कार्य कौन किया है, सेंट्रोसोम। अच्छा देखो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका का पाचन करता है, लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका का पाचन, ठीक है, क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका का पाचन, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि क्या हो गया,
कभी कभी घर में मर्द मेहरारू में झगड़ा हो जाता, मर्द मेहरारू मतलब समझते हैं ना आप लोग के भाषा में, हस्बैंड वाइफ कहते होंगे लोग, ठीक है। अब अदर जगह के बच्चे देखते होंगे तो सोचते हैं कि मतलब मर्द मेहरारू क्या है, और यूपी बिहार के होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि मर्दा किसे कहते हैं, मेहरारू किसे कहते हैं। लेकिन क्या और अदर स्टेट के होंगे तो वो समझ जाएंगे कि यार मर्द क्या है, मेहरारू क्या है, तो उसे मेल और फीमेल यानी हस्बैंड और वाइफ कहते हैं, ठीक है। तो मान जाइए कि कभी कभी झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ में, तो क्या करता है आदमी बिछिया जाता है, बिछियाने का मतलब समझ ना, गुस्सिया जाता है, मार देता है खींच कर गाले पर, ठीक है, छाप्पा उतर जाता है, क्या होता है। तो कहते हैं ना तो औरत इसी को कहती है सब ना, फोन लगा देंगे नहीं यार, फोन कर कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या है, रतिया सैया मरमन खींच के गाल में आ शर्ट घूमी देवाल में, तो छाप्पा उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, छाप्पा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, करिया, क्या हो जाएगा, करिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करिया। तो करिया किसके बस, वहाँ का लाइसोसोम फूट गया है, क्या हो गया, लाइसोसोम फूट गया जिसके वजह से वो करिया हो गया, ठीक है। तब क्या करेगी, दो चार दिन घूंघट करके चलेगी, ठीक है, कि कोनो देखे मत, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहरारू भी किया जाती है या पुरुष को थूर देती है तो वो भी करिया हो जाता है, तो वो क्या बोल रहे भैया कुछ ना सुतल लगी तो कहें पंखा मतलब गिर गए ना, तो हम गिर गई, ठीक है। तो बहाना बना देते हैं सब, पुरुष बताएगा थोड़े कि मेहरारू से पिटाएंगे, यानी कोशिका का पाचन कौन करता है, यानी देखिए। और मान जाइए कि यहाँ पर करिया हो गया तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये कोशिका को वहाँ से गलाएगा, क्या करेगा, जितना वहाँ करिया हुआ है ना उस करिया को धीरे 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 धीरे, मान जाइए कि यहाँ पर उनको चोट लग गया, ठीक है। आप लोग डुमसा वगैरह देखिएगा, चेहरे पर डुमसा जो होता है ना, आप उसे फोड़ देते हैं तो करिया हो जाता है, क्या देखिए यहाँ पर हमारो हुआ था, कहीं इधर उधर दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो फूट गया है, ठीक है, पक गया था, फूट गया यानी करिया हो गया, यानी लाइसोसोम वहाँ का फूट गया। अब धीरे धीरे ये ऐसा नहीं रहेगा, धीरे धीरे यहाँ पर लाइसोसोम क्या करेगा, आएगा और उसका एरिया को क्या करेगा, उसको सुखा कर क्या करेगा, उस लाइसोसोम क्या करेगा, उस कोशिका जो मर गई है उनको खा गलेगा, क्या करेगा, खा जाएगा। खाने के बाद क्या करेगा, उसका पाचन कर देगा, क्या कर देगा, पाचन। कुछ दिनों के बाद पुनः हमारा इस चेहरा हो जाएगा। लड़की सब का देखिए ऐसे बकोट बकोट कर, बकोट बकोट कर इसे करिया कर लेते हैं, ठीक है। अब करिया करने के बाद झचकल पचकल दिखेंगे सब, कैसा दिखेंगे सब, डचकल पचकल, ठीक है। तो उसको भी ठीक करने का देखिए, अब देखिए कभी कभी लड़की सबका, आप सोचते हो सर जी लड़की सबका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लड़का सबका जल्दी ठीक नहीं होता है। तो लड़का सब पुट्टी थोड़ा लगाता है, लड़की सब क्या करती है, बहुत सारे ऐसे पुट्टी का इस्तेमाल करती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो पुट्टी जो मलहम लगाती हैं सब ना, क्रीम वगैरह, तो वो जो लाइसोसोम है उसको थोड़ा एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करने के बाद वो क्या करता है, वो कोशिका का क्या करते हैं, तेजी से काम करता है। तो कुछ दिनों के बाद हरियरा जाती है, क्या हो जाती है, हरियरा जाती है। उसके बाद से झाड़ कैसे चलेगी, ठीक है, ऐसे आगे को लटका लेगी, अच्छा झाड़ के चली जाए, खत्म, सेवा समाप्त, ठीक है। यहाँ कोशिका पाचन समझ जाएगा, लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के पास देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, पुलिस का डंटा आपके पछवाड़ा पर पड़ जाता है तो देखना सट्टा उपज जाता है कि नहीं, करिया हो जाता है, वो लाइसोसोम वहाँ का फूट गया है इसीलिए करिया हो गया, क्लियर। अच्छा देखिए केंद्रक क्या करता है, तो देखो केंद्रक जो है, ठीक है, केंद्रक जो है, केंद्रक यहाँ पाया जाता है, देखिए केंद्रक है, ये माइटो सेल है, सेल के अंदर इसे कोशिका भित्ति है, क्या है, कोशिका भित्ति, ठीक है। अब कोशिका भित्ति के अंदर इसे केंद्रक है, यहाँ पर है केंद्रक, ठीक है। और ये केंद्रक क्या करता है, तो केंद्रक जो है ना ये सारे कोशिकांगों को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। ये जितने भी कोशिकांग है जैसे कि जीव द्रव हो गया, ठीक है, यानी अंत प्रतव्य जालिका, ठीक है, स्मूथ या राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, बायकुश, इन सब पर कंट्रोल किसका होता है, केंद्रक होता है। यही कहता है भैया किसको का चाहिए, ठीक है, देने का कार्य करता है, ठीक है, सबको नियंत्रण। जैसे आपके घर में 10 गो आदमी होगा तो 10 गो आदमी में आप देखिएगा, एक गो आदमी जो होगा ना वो क्या करता होगा, एक आदमी जो होगा ना उस सबको कंट्रोल करके रखता होगा, ठीक है। आपके घर में 10 गो आदमी है, मान लीजिए कि 10 गो आदमी में आपका पापा जो है सबसे बड़े हैं, तो क्या करेंगे, सबको कंट्रोल करेंगे, ए फलनवा तुरा के ई करे के बाद, ए फलनिया तुरा के ई करे के बाद, है कि नहीं, इन सबको एक एक काम मतलब ये क्या है कंट्रोल करके रखते हैं, कौनों भी उनसे आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये वो ऐसा चोटा होगा आपके घर में ही जो अपने पप्पे का ही बात ना मानता होगा, ठीक है, तो वो देखना वो कैसा होता है, वो लाइसोसोम की तरह होता है, कैसा होता है, लाइसोसोम कौनों से मतलब नहीं, ये न्यूक्लियस को धड़का देता है कि ससुर बोल रहा था तो होकर उड़ा दे, ठीक है, यानी क्या करता है, इसे इसे एटम बम कहते हैं, लाइसोसोम को एटम बम भी कहते हैं, इतना बात क्या, एटम बम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए तो केंद्रक समझ में आ क्या करता है, तो कोशिकांगों को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, केंद्रक का ही होता है।
इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। इसके बाद आता है राजधानी। राजधानी क्या है? इसे वैकुल्स कहते हैं, वैकुल, ठीक है। वैकुल्स जो है ना वो समझिए, यह मनुष्यों में यानी जीवों में छोटा था और पौधों में बहुत बड़का चका होता है। बड़का चका समझ लेना, मान जाए कि मनुष्य में इतना छोटा वैकुल्स है ना, तो वही पादपों में इतना बड़ा होगा। समझ रहे हैं? मनुष्य में यदि क्या है, मनुष्य में क्या है, यदि ये छोटा है तो क्या होगा कि पादपों में बहुत बड़ा होता है। पादपों में क्या होता है? पादप यानी पेड़ पौधे, तो पौधों में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और मनुष्य में छोटा होता है। आप देखिएगा, मनुष्य कहीं कहीं जल जाता है ना, तो देखिए वहां पर पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? आपको कहीं कोनो सीधा से दाग दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ दिन के बाद फोकचा उपज जाता है। फोकचा उपजने के बाद क्या, वहाँ पानी भर जाता है। पानी वो कहाँ से आया? वो वैकुल्स के अंदर से ही है। वो वैकुल्स छोटा होता है। क्या होता है? वो वैकुल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लेकिन जो पादपों में, जो किस में, पादपों में जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। पादपों में क्या होते हैं? बहुत बड़े, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनमें वैकुल्स क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए आप पेड़ पौधों को काट देते हैं ना, तो अभियान मिले देखेंगे, अभियान अगले दिन देखेंगे, तो वो पुनः पानी से क्या होता है? लथपथ रहता है। तो आप कहते हैं कि फिड़वा रोवता, ससुर फिड़वा थोड़े रोवता, उसका वैकुल्स कट गया तो पानी गिर रहा है। ये सबसे बड़ा पाया जाता है तरगुल के पेड़ में। तरगुल का पेड़ जानते हैं ना, ताड़ का, जिसे ताड़ी निकलता है। ताड़ नहीं जानते हैं, जैसे ताड़ी पी लेते हैं लोग। देखिए यहाँ पर तोड़ी भी इसे कहते हैं, साउथ इंडिया में इसे तोड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो उधर देखिएगा, तो आपने पिया जरूर होगा, ठीक है। लड़का उड़का सब पीता है, इसको लड़की भी पी लेती हैं सब। ऐसा नहीं कि लड़की नहीं पीती है, लड़की सब भी पीती हैं, लड़के सब भी पीते हैं, ठीक। यानी लड़की, देखिए इसे पीने के बाद, देखिए ये ज्यादा उतना नशीला नहीं होता है, ठीक है। हल्का फुल्का नशा करता है, ठीक है। एक बार हम भी ट्राई किए थे, ठीक है, भगौना का खाना साफ कर दिए थे। सोच लो कितना भयंकर, ससुरा उसमें टिकिया डाल दिया था, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यहाँ देखिए, देखिए यह वैकुल्स मानव में बहुत छोटे होते हैं, अब पेड़ पौधे में बड़े होते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को जब आप काटते हैं तो वहां पर से क्या निकलता है? पानी निकलना चालू हो जाता है। अगले दिन क्या होता है? पानी निकल, आदमी को काट दीजिए तो क्या निकलेगा? पानी नहीं, क्या निकलेगा? खून निकलेगा। क्या निकलेगा? खून। तो यहाँ पर देखिए, पादपों में ये क्या है? बड़ा है, और मानव में छोटा है, ठीक। इसमें देखिए एक चीज, इसमें बहुत सारे, इसमें जो होते हैं ना, बहुत सारे मटेरियल भी इसमें भरे होते हैं। किसमें? वैकुल्स में। तो केवल हम यहाँ वैकुल्स तक ही रखेंगे, ठीक है। इसमें लवक आएगा, इसके बाद से पादपों में लवक वगैरह के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद से क्या आएगा? लवक, लवक यानी प्लास्टिड, ठीक है। तो लवक के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। कोशिका देखिए छोटा चैप्टर नहीं है, कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है। हमने कोशिश किया कि आपको छोटा से छोटा वीडियो में आपको दे दिया जाए, ठीक है। फिर भी देखिए 20 मिनट से ऊपर का चला गया। तो चलिए बस हम इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में आपको लवक के बारे में बता देंगे कि लवक क्या होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो धन्यवाद।